Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss the topic public versus private limited companies. Course ka naam hai financial accounting 2 and I am your course instructor Dr. Muhammad Wajid Raza. Pichle lectures mein humne company ke definition pe tafseelan bahas ki, phir uske baad company ke different types discuss kiye. Un types mein humne do types discuss kiye the. Ek ka naam tha प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और दूसरे का नाम था पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। वैसे तो कंपनी की हर फॉर्म की अपनी खसूसियात हैं और इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का इन दोनों का इस्तेमाल आपको पाकिस्तान या फिर दूसरे ममालिक में ज़्यादातर दिखाई देता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन दोनों में जो माइनर डिफरेंसेज हैं और जो मेजर डिफरेंसेज हैं उन दोनों का हमें पता हो। तो आज हम इनके दरमियान जो डिफरेंसेज हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। स्लाइड के लेफ्ट साइड पे जो आप देख सकते हैं ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के एट्रीब्यूट्स हैं और राइट साइड पे आप देख सकते हैं ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी के एट्रीब्यूट्स हैं। सबसे पहले जो डिफरेंस है वो इसका मेंबरशिप में आता है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है ये मिनिमम 2 पर्सन से ये बन सकती है। इसके 2 ओनर्स होना ज़रूरी है कम अज़ कम। अगर कोई बंदा अकेले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलता है तो ये ठीक नहीं है, ये इट्स नॉट अलाउड। और अगर इसके हम मैक्सिमम ओनर्स की बात करें तो ये 50 से एक्सीड नहीं कर सकते। पब्लिक लिमिटेड कंपनी की अगर हम बात करें तो इसके मिनिमम मेंबरशिप 7 लोगों के पास होनी चाहिए और मैक्सिमम जिसका लिमिट है उसका उस पर कोई बाउंड नहीं रखा गया, ये अनलिमिटेड हो सकते हैं। तो अगर शेयर होल्डर्स की बात की जाए तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 शेयर होल्डर्स होंगे। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स कम से कम 7 लोगों के पास होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये जितने लोग खरीद सकते हैं उतना इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फॉर्मेशन की अगर बात की जाए, फॉर्मेशन का मकसद है का मतलब है जो बनाने का तरीक़ाकार है, कंपनी को इस्टेब्लिश करने का तरीक़ाकार है। तो अगर हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करें तो दिस इज़ कंपैरेटिवली सिंपल, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज एडिक्वेट। अगर हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं तो इसका तरीक़ाकार अमूमन आसान होता है, इसमें इतनी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि इसके शेयर्स 2 से लेकर 50 तक लोगों के दरमियान होती हैं, इसलिए ये कंपनी प्रॉस्पेक्टस वगैरह भी इशू नहीं करते, बल्कि ये जस्ट फ्रेंड्स या फिर फैमिली या फिर जो अपने सर्कल के लोग होते हैं वही इसके शेयर खरीद लेते हैं। और बाकी डॉक्यूमेंटेशन भी इतनी की इस किस्म की कंपनी की इतनी पेचीदा नहीं होती। ये सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी अगर हासिल कर लेते हैं तो ये काफ़ी होता है और उसके बाद ये अपने जो ऑपरेशंस है वो शुरू करते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी की अगर हम बात करें तो इसके इनकॉर्पोरेशन के जो स्टेजेस हैं, अगर एक कंपनी को हम इनकॉर्पोरेट करते हैं या कंपनी को हम इस्टेब्लिश करते हैं तो इसके स्टेप्स ज़्यादा है और पेचीदा भी हैं। जिस तरह के पार्टनरशिप डीड में आपको पढ़ाया गया था कि आपको पार्टनरशिप में आपको पार्टनरशिप डीड की ज़रूरत होती है, इस तरह जब आप कंपनी बनाते हैं तो मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। उनमें से 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो जब ये कंपनी हम बनाते हैं तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो ये पूरे इसके डॉक्यूमेंटेशन भी होने चाहिए, ये प्रॉस्पेक्टस भी इशू करेगा और ये कंपनी के मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं। ये उन तमाम 4 स्टेप्स से जब हम गुजरेंगे तब ये कंपनी बनेगी, तब हमें सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन इजाज़त देगा। दोबारा इसको सुनते हैं। फॉर्मेशन की अगर बात की जाए तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का तरीक़ाकार थोड़ा आसान होता है, इसके पूरे 4 स्टेप्स करना ज़रूरी नहीं है। जब इसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है तो ये फिर अपना काम कर सकते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी का प्रोसेस थोड़ा लंबा है और ये सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से काम नहीं चलता, बल्कि ये पूरे के पूरे 4 स्टेप्स जो हम आगे पढ़ेंगे उनको जब तक ये नहीं करता तब तक इसको इनको ऑपरेशंस करने की इजाज़त नहीं होती। अगर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात की जाए तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम अज़ कम 2 डायरेक्टर होना ज़रूरी है और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कम अज़ कम जो नंबर है वो 3 डायरेक्टर्स का होना ज़रूरी है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर का मकसद है कि अगर आप किसी कंपनी में शेयर्स ख़रीदे हैं, आपके पास मलकियत है लेकिन अभी आप ये शेयर्स बेचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपनी मलकियत ख़त्म करें और ये किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र करें, तो जब ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात होगी तो इसमें ये एक मसला है कि यहाँ पे जो आपके पास शेयर्स होते हैं उनको इतने आसानी से आप किसी दूसरे शख्स तक ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ये बहुत ही आसानी होती है, आपके पास जिस कंपनी की भी शेयर है आप जिस वक्त चाहें जिस बंदे को चाहें वो शेयर बेच सकते हैं। जैसे ही आप शेयर बेचते हैं तो आपके पास ओनरशिप ख़त्म हो जाती है और जिस शख्स ने शेयर्स ख़रीदे होते हैं उसके पास शेयर कंपनी की ओनरशिप आ जाती है। जो आपके पास ये शेयर्स हैं इसको अगर आप बेचते हैं तो ये सेकेंडरी शेयर्स होते हैं, ये सेकंड हैंड शेयर्स होते हैं, इनको आप सेकेंडरी मार्केट में सेल करते हैं और पाकिस्तान में सेकेंडरी मार्केट की एग्जाम्पल है कराची स्टॉक एक्सचेंज।
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की अगर हम एक और एट्रीब्यूट की बात करें तो इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। जब भी हम कंपनी बनाते हैं तो हमें फंड्स चाहिए होते हैं। इन फंड्स के लिए हम जनरल पब्लिक को शेयर्स बेचते हैं। अब शेयर्स बेचने के लिए ज़रूरी होता है कि आप प्रॉस्पेक्टस डिज़ाइन करें और उसको जनरल पब्लिक को अलाउ करें कि उसको उसके ज़रिए आपकी कंपनी के शेयर्स की सब्सक्रिप्शन हासिल करें। तो जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी तो इनको ये इजाज़त नहीं होती कि वो प्रॉस्पेक्टस बनाएं और उसके ज़रिए शेयर बेचें, क्योंकि इनके मैक्सिमम नंबर ऑफ ओनर्स 50 तक होते हैं। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि ये प्रॉस्पेक्टस बनाए। ये ज़्यादातर फ्रेंड्स एंड फैमिली ये शेयर सब्सक्राइब कर लेते हैं और वो ख़रीद लेते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जो ओनर्स होते हैं उनका मैक्सिमम जो लिमिट है वो कुछ भी हो सकता है, वो अनलिमिटेड है। और इसके शेयर ज़्यादातर आम आवाम खरीदते हैं, जनरल पब्लिक खरीदते हैं। इसलिए कंपनी को ज़रूरी होता है कि वो प्रॉस्पेक्टस बनाए और इस प्रॉस्पेक्टस आम लोगों तक पहुंचाए ताकि जिन लोगों को ये कंपनी पसंद हो वो इसमें इन्वेस्टमेंट करें। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी प्रॉस्पेक्टस ज़रूर बनाएगी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को प्रॉस्पेक्टस बनाने की इजाज़त नहीं होती, या फिर ये ना भी बनाए तो खैर है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की बात अगर की जाए तो इसका मकसद है कि कारोबार जो एक कंपनी है ये अपना कारोबार कब शुरू कर सकती है। तो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है इट कैन स्टार्ट द बिजनेस आफ्टर द रिसीप्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे मैंने पहले जिक्र किया, एक दो स्टेप्स अगर ये मुकम्मल कर ले तो इनको सर्टिफिकेट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है। ये सर्टिफिकेट सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन इशू करता है। जैसे ही इनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है ये अपना काम शुरू कर सकते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के हुसूल के बाद अपना काम शुरू नहीं कर सकती, बल्कि इनको ट्रेडिंग सर्टिफिकेट्स और कुछ और भी स्टेप्स होते हैं। जब तक वो सारे मुकम्मल ना हो जाएं ये ऑपरेशन नहीं कर सकते। सुटेबिलिटी का मकसद है कि ये किस किस्म के काम के लिए मौजून है। तो ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, चूंकि इसके ओनर्स कम होते हैं इसलिए इनमें फंड्स इतने ज़्यादा नहीं होते, इसलिए ये ज़्यादा सुटेबल होता है कि आप छोटे से दरमियाने दर्जे तक का कारोबार करें। जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी बहुत ज़्यादा फंड इकट्ठा कर सकती है लोगों से, इसलिए इनके लिए फंड का कोई इशू नहीं होता। तो जो बहुत बड़े सतह का कारोबार होता है उसके लिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी ज़्यादा जामे है और वो आपको रजिस्टर करनी चाहिए। इन्विटेशन, इन्विटेशन का मतलब किसी को दावत देना। तो कंपनी जब इन्विटेशन देती है तो ये अपनी कंपनी के शेयर्स के लिए दावत देती है कि आप हमारे शेयर्स खरीदें। तो पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लोगों को इनवाइट नहीं करती कि आप आएँ और हमारे शेयर ख़रीदें, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है ये आम आवाम को इन्विटेशन भेजती है थ्रू प्रॉस्पेक्टस के आप आएँ और हमारे शेयर्स ख़रीदें। अलॉटमेंट, इट कैन अलॉट शेयर्स इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। जैसे ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है ये उसी वक्त अपने शेयर्स, जिसके शेयर होल्डर्स होते हैं जो 50 तक होते हैं, उनको अपने शेयर्स हवाले कर देते हैं। जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी की अगर हम बात करें तो शेयर्स कैन नॉट बी अलॉटेड अनलेस मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज कलेक्टेड। कंपनी जो आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाते हैं उसकी एक बहुत अहम शर्त है मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिक्वायरमेंट, कि जब तक आपके एक ख़ास हद तक शेयर सब्सक्राइब ना हो जनरल मार्केट में तब तक आप बाकी लोगों को शेयर नहीं बेच सकते। बाकी लोगों को मतलब जनरल पब्लिक को शेयर बेचने से पहले सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन आपके ये शर्त लगाता है कि आप एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन लेके आए। तो अगर वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का टारगेट आप अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद आप अपने शेयर जनरल पब्लिक को ऑफर करते हैं और वो खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन की हद अचीव नहीं होती तो फिर आप अपने शेयर जनरल पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकते। क्वालिफिकेशन शेयर्स, द डायरेक्टर नीड नॉट हेल्ड क्वालिफिकेशन शेयर्स। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं ज़रूरी नहीं कि वो उस कंपनी के शेयर्स भी खरीदें। मैंने कुछ लेक्चर्स पहले जिक्र किया था कि जब ये जो कंपनी होती है इसके मैनेजर्स कुछ और लोग होते हैं और मालिक और लोग होते हैं, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये मैनेजर्स वो काम करते हैं जो मालिकों के लिए अच्छे नहीं होते बल्कि उनके अपने आप के लिए अच्छे होते हैं और ये आगे जाके एजेंसी प्रॉब्लम को पैदा करते हैं। इसलिए इसको कम करने के लिए ये शर्त लगाई जाती है कि जो बंदा डायरेक्टर होगा कंपनी का उसके पास एक ख़ास हद तक शेयर्स होने चाहिए, ताकि जब उसके पास शेयर्स होंगे तो जाहिर है फिर वो वही काम करेगा जो शेयर होल्डर्स के भलाई के लिए होगा। तो ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये ज़रूरी नहीं कि इनके डायरेक्टर्स शेयर्स खरीदें, लेकिन जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है अगर आप उसके डायरेक्टर बनना चाह रहे हैं या कोई भी बंदा डायरेक्टर के ओहदे के लिए अगर वो आ रहा है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास एक ख़ास हद तक शेयर्स हो, वो शेयर्स एक ख़ास प्रोपोर्शन तक शेयर ज़रूर खरीदेगा, उसके बाद ही वो डायरेक्टर बन सकता है।
कोरम, कोरम का मतलब होता है जब भी कोई मीटिंग होती है ज़रूरी फैसलों के लिए तो उसमें तमाम लोगों का होना ज़रूरी। वैसे बेहतर तो यही है कि तमाम लोग बैठे हों, तमाम डायरेक्टर्स हों, लेकिन अगर किसी बुनियाद पे कोई डायरेक्टर, दो डायरेक्टर गैर हाजिर हों तो फिर हम मिनिमम रिक्वायरमेंट रखते हैं कि अगर इतने लोग हों तो कोरम पूरा होगा, मीटिंग होगी। इतने लोगों ना हो तो फिर कोरम पूरा नहीं हो सकता। तो जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात होती है तो अगर इसमें दो मेंबर्स भी हाजिर हों तो इसका मतलब है कि कोरम पूरा है और मीटिंग हो सकती है। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी में दो मेंबर से काम नहीं चलेगा, जब तक 5 मेंबर्स हाजिर ना हो तब तक कोरम पूरा नहीं होता और आप कोई भी मीटिंग नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर यूट्यूब चैनल एक्सेल विद शाम पे जाके कमेंट करें। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों के सवालों